हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है काफ़ी स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, एक हार्ड वर्किंग टाइप की हथेली यहाँ पर मैं इनकी देख पा रहा हूँ, काफ़ी स्क्वायरिश शेप है। और फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है जो एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को भी शो करती हैं। हर काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना और एनालिसिस करके ही उस काम को शुरू करना इनकी नेचर रह सकती है। और अगर बात की जाए यहाँ पर फिंगर्स की, तो आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरह की हल्की सीधी खड़ी रेखाएं जो लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं, शो करती हैं काफ़ी अच्छी फ्रेंडली टाइप की नेचर को, काफ़ी सोबर नेचर को। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी फिंगर्स की लेंथ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी है जो अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ को शो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ सूर्य फिंगर की अच्छी लेंथ वाले लोग थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के समय में या किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें कोई नुकसान होने का डर हो, उसमें भी ऐसे व्यक्ति रिस्क लेकर काम कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इनकी बृहस्पति फिंगर की, तो थोड़ी शॉर्ट होती हुई लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी रहती है अगर बृहस्पति फिंगर शॉर्ट हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई में जो डिफरेंस है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। और फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी कमी लाती है इस तरह की बृहस्पति की फिंगर। और अगर शनि फिंगर की बात की जाए, तो काफ़ी स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट इनको देख सकती है। हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी और उसी नेचर की वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी ये कर पाएंगे। आगे आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जो इसकी लंबाई है वो फर्स्ट फैलेंज ऑफ सूर्य फिंगर वहाँ तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सेटिंग को, तो हल्की सेट है लेकिन माउंट काफ़ी स्ट्रांग है, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और समवट एक्स्ट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी इनके रहने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही, एक बहुत ही अच्छा आर्च बन रहा है जो एक परफेक्ट है। लगभग सभी माउंट्स को यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस मिल पा रही है, और माउंट्स को अच्छी स्पेस मिल पाना अपने आप में बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स को स्पेस भी अच्छी मिल रही है, और साथ ही साथ जो माउंट्स हैं वो उभरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वन बाई वन सभी माउंट्स को देखेंगे क्या क्या इंडिकेशन हमें माउंट्स से मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका बृहस्पति माउंट है, कुछ हल्की आड़ी रेखाएं यहाँ जो इन्हें धार्मिक नेचर का बनाती हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आड़ी रेखाओं से लाइन ऑफ सिंपथी बनती है, अगर कुछ इस तरह से एक रेखा हो तो इसको दीक्षा रेखा भी कहा जाता है, लाइन ऑफ सिंपथी भी इसका नाम है। और अगर यहाँ पर एक ऐसी लाइन बने जिसको गुरु वल्या कहा जाता है, तो यहाँ पर ऐसी दो रेखाएं कंप्लीट नहीं है तो पार्शियल गुरु वल्या हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की रेखाएं होना शो करता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान होना, धर्म कर्म के कामों में रुचि होना, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। फैमिली के सुख को यहाँ इंश्योर कर रहा है बृहस्पति माउंट। बेशक इनकी फिंगर जो है वो थोड़ी शॉर्ट हो रही है, लेकिन उस सभी कमियों को यहाँ पर यह उभरा हुआ माउंट पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं शनि माउंट की, तो शनि माउंट जो मेहनत के कारका हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के से अंदर की तरफ दबते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से
थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहती है, लेकिन इसी मेहनत की वजह से ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी कर लेते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहती है। तो चलिए भाग्य रेखा, जिसको फेट लाइन कहा जाता है या सैटर्न लाइन भी कहा जाता है, उसको भी यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा इनकी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, इनकी भाग्य रेखा कुछ टूट कर चलती हुई, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से इनकी भाग्य रेखा चलती हुई ऊपर तक, और काफ़ी अच्छी रेखा यहाँ लगभग 35 के आसपास की एज तक पहुँचती हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से एक हर्डल लाइन आती हुई, जो हर्डल शो करती है, रुकावटें शो करती हैं, भाग्य की कमी को शो करती है। और इस तरह की हर्डल्स आने के वजह से व्यक्ति को लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद फिर से आगे भाग्य रेखा थोड़ी वीक है शुरू में, लेकिन आगे आगे स्ट्रांग होती हुई कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में, जो शो करती है कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो एज रहेगी यहाँ पर 45+, उस एज में चलकर इन्हें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिलने के चांसेस रहेंगे। 45+ की एज से यह लाइन थोड़ी स्ट्रेंथ ले रही है, इस वजह से फाइनेंसेस अच्छे होने के चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, तो सूर्य माउंट के ऊपर मुझे कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर और उभरा हुआ सूर्य माउंट, और साथ ही साथ एक अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर, ये दोनों चीज़ें शो करती हैं एक बहुत ही अच्छे सोशल सर्कल को। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होने के साथ साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर होती हैं। और सूर्य यहाँ पर इस तरह के उभरा होना व्यक्ति को अच्छी नेम एंड फेम दिलवा सकता है, लेकिन बहुत हाई लेवल का नेम फेम नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए खास सूर्य रेखा का होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं मरकरी माउंट को, तो अब देख सकते हैं मरकरी माउंट यहाँ पर, इसमें कोई भी नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी क्लियर मरकरी माउंट, बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूनियन लाइंस नज़र आ रही है, एक हल्की लाइन भी नज़र आ रही है जो किसी के प्रति काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन के बारे में भी दर्शाती है। जो दूसरी लाइन है यहाँ पर, यह मिडल एज के आसपास चलकर किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी अट्रैक्शन को दर्शाती है। और जो पहली लाइन है ये मैरिज को इंडिकेट करती है, जो काफ़ी स्ट्रांग है, तो अच्छी मैरिड लाइफ रहनी चाहिए। कुछ हल्के फुल्के मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग लाइन का मतलब मैरिड लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को, तो कुछ इस तरह से सीधी हार्ट की लाइन और एक ब्रांच का नीचे की तरफ बढ़ना यहाँ पर शो करता है अग्रेशन को, गुस्से को। और मंगल का जो एरिया रहता है, यह जो एरिया है मंगल का, इसकी तरफ इस लाइन का बढ़ना शो करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं, और अपनी इसी नेचर की वजह से कई बार रिश्तों में दरारें आने के चांसेस भी रहते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इस रेखा का आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुंचना, यह जो एरिया रहेगा बृहस्पति माउंट का, इनको काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट भी बनाएगा। और जो सेटबैक की लाइंस में देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हल्की सेटबैक की लाइंस भी मौजूद हैं इनके इनकी हार्ट लाइन के ऊपर, जो समय समय पर इन्हें इमोशनल सेटबैक्स दिलवा सकती हैं। ओवरऑल माइंड की लाइन की बात की जाए तो काफी स्ट्रांग माइंड की लाइन और एक ब्रांच यहां से निकलकर मरकरी एरिया की तरफ जाती हुई, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इनकी माइंड की लाइन लगभग यहां पर 40 की एज तक बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, उसके आगे ये झुकती हुई, जो झुकाव है यह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड में है, राइटिंग में है, स्टोरी राइटिंग, फिक्शन राइटिंग जैसे काम करता है, तब यह झुकाव जो है अच्छे रिजल्ट देता है। अदरवाइज यह जो माइंड की लाइन का झुकाव है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक तनाव जैसी स्थितियों में भी ला देता है। ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग माइंड की लाइन, एक अच्छा तेज दिमाग रहेगा, स्टडीज में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, और मेमोरी काफ़ी शार्प रहती है, और यही शार्प मेमोरी जो है कई बार मानसिक तनाव का कारण भी बनती है।
क्योंकि लंबी रेखा से जितनी ज्यादा लंबाई में यह रेखा होती है जो माइंड की लाइन है, उतना ज्यादा व्यक्ति की जो मेमोरी है वो शार्प रहती है, और शार्प मेमोरी कई बार प्रॉब्लमेटिक भी बन जाती है। उसके बाद अगर मनी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ बिल्कुल भी क्लियर मनी ट्रायंगल मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इस तरह का मनी ट्रायंगल जो कंप्लीट नहीं है तो धन इकट्ठा कर पाना मुश्किल रहेगा, खर्चे इनके काफ़ी अधिक रहेंगे, और जो फेट लाइन है वो भी थोड़ी स्ट्रगल दिखला रही है। यहाँ पर 40 से 45 की एज में स्ट्रगल रह सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी जो लाइन है लाइफ की, उस लाइन को चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या इंडिकेशंस आती हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से चलती पीछे की तरफ मुड़ती हुई। यहाँ पर जो मेजर चीज़ शो हो रही है वो यह है कि अपनी फैमिली के साथ बहुत लगाव रहेगा, क्योंकि लाइफ की लाइन वीनस की तरफ मुड़ती हुई। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और लाइन का बाहर की तरफ निकलना, ड्रा करके दिखाना चाहूँगा आपको, इस लाइन का बाहर की तरफ निकलना यहाँ पर शो करता है विदेश यात्रा को। कुछ समय स्टे भी कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन परमानेंट चांसेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो यह सिचुएशन बनती है कुछ समय के लिए किसी विदेशी कंट्री में जाकर बसने के बारे में। ओवरऑल शुक्र काफ़ी अच्छा है, हल्की वरी लाइंस हैं जिसकी वजह से कुछ चिंताएं रह सकती हैं, अदरवाइज कोई भी मेजर दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मंगल रेखा मौजूद है जो अच्छी प्रॉपर्टी का संकेत देती है, और यह प्रॉपर्टी व्यक्ति खुद से भी बना सकता है, और पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। विया लसीविया लाइन की थोड़ी सी फॉर्मेशन यहाँ पर इन्हें किसी तरह की एलर्जी या एडिक्शन दे सकती है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा विया लसीविया लाइन को। यह लाइन जो चंद्र एरिया से बढ़कर शुक्र एरिया तक पहुंचती है, इस तरह की एक रेखा, तो यह मून एरिया है और दूसरा जो एरिया है शुक्र एरिया है, तो इस तरह की रेखा का यहाँ पर होना किसी न किसी तरह की एडिक्शन को और दूसरी चीज़ या फिर किसी तरह की एलर्जी को शो करता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।